नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पंगासियस को कॉमर्शियल फीड कैसे दी जाए। आप में बहुत सारे लोग होंगे जो पंगासियस, जिसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, जासर, प्यासी, इन मछलियों का पालन कर रहे होंगे। जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय मछलियों की जो साइज है उसमें बड़ा वेरिएशन होता है। कोई मछली 1 kg का हो गया, कोई मछली 800 ग्राम का रहा, कोई मछली 600 ग्राम का, कोई मछली 1/2 kg का। ये वेरिएशन क्यों होता है पता है आपको? ये वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फीड देने का टेक्निक है उसमें कमी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसको प्रैक्टिकली फील किया और बाद में जो टेक्निक मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने उस चीज़ को सुधारा है। इस वक्त मैं जिस पॉन्ड पे खड़ा हूँ, ये एक छोटा सा पॉन्ड है, इसको आप नर्सरी पॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब पंगासियस 50 ग्राम से ज़्यादा की हो जाती है उसके बाद यहाँ से जो बगल में पॉन्ड है उसमें इसको डाला जाता है रियरिंग के लिए, मतलब ग्रो आउट जो पॉन्ड है उसमें। अभी इस पॉन्ड में जो मछली है इसको हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं वो आपको दिखाएंगे कि कैसे फीड देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फीड मैं क्या खिला रहा हूँ। जरा इधर आइए आप, विजय जी, ये निकालिए, जरा सा फीड निकालिए। ये कॉमर्शियल फीड है, फ्लोटिंग फीड है, जिसमें दोनों तरह का फीड, एक 3 mm साइज़ का फीड है और एक 1.5 mm साइज़ का फीड है। कुछ मछलियाँ जो बड़ी हो गई हैं उनके लिए 3 mm का फीड हमने डाला है और कुछ मछलियों को 1.5 mm का, जो छोटी मछलियां हैं उनके लिए 1.5 mm का फीड डाला है। ये होता ये है कि लोग समझते हैं कि पहले थोड़ा सा तालाब में फीड फेंका जाए, फिर मछलियां इकट्ठा हो जाए, उसके बाद फिर धड़ल्ले से फीड खिलाया जाए। ये टेक्निक एकदम गलत है और इस टेक्निक से आपको परेशानी ये होगी कि कुछ मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी, कुछ मछलियाँ छोटी रह जाएंगी, एक साइज़ की मछली तैयार नहीं होगी। इसका रोकथाम कैसे करेंगे, इसका बचाव कैसे करेंगे, ये आपको हम दिखाते हैं। पंगासियस को फीड कराने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप मेड से चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करें, बिना इस बात का इंतज़ार किए हुए कि मछलियां दाना खाने के लिए आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इस रीजन का इस्तेमाल बड़े बड़े पंगासियस फार्म में किया जाता है। क्योंकि अगर बड़े फार्म में साइज़ का वेरिएशन ज़्यादा होगा तो मार्केटिंग करना उनके लिए परेशानी होगी, और ये बकायदा परेशानी आंध्रा तक में लोगों को हुई थी, और उसके बाद इस टेक्निक का इजाद किया गया और इस टेक्निक से लोगों को बहुत लाभ मिला। आप पंगासियस फार्मिंग करते हैं तो ज़रा इस चीज़ को देखिए। पंगासियस के फीडिंग में लोग अमूमन जो गलती करते हैं, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं और फिर सही तरीका क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। विजय दाना डालिए, पहले लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दाना पानी में फेंका, लोग समझते हैं कि जब मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी उसके बाद फिर दाना दिया जाएगा। 2-5 मिनट के अंदर मछलियाँ जब इकट्ठा होती हैं उसके बाद लोग फीडिंग करवाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि पंगासियस एक जगह दाना फेंका गया है और पंगासियस जो मछली है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है, फीड खाने के लिए आ रही है, और जब ये इकट्ठा होती है तब लोग फीड डालना शुरू करते हैं। जबकि ये तरीका एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तरीका क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सही तरीका इसका कुछ इस तरह है। जैसे अब ये फीड डालेंगे, आप अब फीड डालना शुरू करिए, आप मेड़ पे खड़ा होके लगातार फीड को पूरे पॉन्ड में ब्रॉडकास्ट करिए, बिना इस बात को सोचे हुए कि कैसे मछलियाँ खाएंगी या नहीं खाएंगी। मछलियाँ आप जब पूरे पॉन्ड में ब्रॉडकास्ट करेंगे तो खाने के लिए धीरे धीरे आ जाएंगी। और इस टेक्निक के पीछे की वजह यह है कि जब साइज़ का वेरिएशन होता है ना तो मार्केटिंग में परेशानी होती है, और साइज़ के वेरिएशन को रोकने के लिए लोगों ने जो पंगासियस का मनोभाव है उसको इस्तेमाल किया। दरअसल जब आप इस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक जगह जब आप देते हैं जो गलत तरीका है, तो उसमें क्या होता है कि मछलियों में जो आक्रामक नेचर की मछलियाँ होती हैं वो जल्दी से आती हैं और दाना खा जाती हैं। जो मछली थोड़ी स्लो है उसको परेशानी होती है और आक्रामक
मछली को दाना ज़्यादा मिल जाता है और वो तेज़ी से ग्रो कर जाती है। जैसे जैसे आक्रामक मछलियाँ ग्रो करती हैं, वैसे वैसे जो छोटी मछलियाँ रह जाती हैं वो साइज में पिछड़ जाती हैं। जब आप ब्रॉडकास्ट करके फीड को देते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग से क्या होता है कि तालाब में चारों तरफ खाना होता है और तकरीबन हर मछली के पास दाना पहुंच जाता है। इसमें एक तरीका और भी है कि आप इसी तरह से ब्रॉडकास्ट करने के बाद अगर आप दिन में या एक टाइम में 10 केजी खाना दे रहे हैं तो उसको आप दो हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा जो 5 केजी का होगा वो डालिए इसी तरह से ब्रॉडकास्ट करके, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसको आधे घंटे बाद डालिए। तो उससे क्या होगा कि जो आक्रामक नेचर की मछलियां हैं वो पहले आके खा के चली जाएंगी, और जो मछलियां बच जाती हैं वो फिर आधे घंटे के बाद आकर खाएंगी। मैं आपको ये टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हुई थी, मुझे भी परेशानी हुई थी, और अब जबकि इस नीति को हम लोगों ने अपनाया है तो इसका बहुत लाभ मिला है। इसलिए कभी भी पंगासियस को जब आप फीडिंग करवाते हैं तो एक जगह या दो जगह खड़े होकर दाना मत फीडिंग करवाइए, साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा और ये वेरिएशन आपको जब मार्केटेबल साइज होगा तब परेशानी का सबब बनेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आपको मछली पालन से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी देता हूं और इस जानकारी का इस्तेमाल आप अपने फिश फार्म पे फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। ये इस तरह से पूरे मेड़ पे आप चल के देंगे, एक जगह पिलेट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि एक जगह पिलेट देने से होता क्या है कि जो मछलियाँ वहाँ हैं उन्हीं को मिलता है। इसको पूरे पॉन्ड में आप मेड़ पे चल के ब्रॉडकास्ट करेंगे और इस ब्रॉडकास्टिंग से जो मछलियाँ इस तालाब में हैं वो खाने के लिए आएंगी और उनको दाना मिल पाएगा। ये जो फ्लोटिंग फीड है उसकी जो कीमत है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, और प्रोटीन फैट के कारण ही इसकी प्राइस तय की जाती है। अमूमन जो इंडियन मेजर कार्प यानी रेहू, कतला, मृगल इनको दिया जाता है, उसमें थोड़ा जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम होती है, इसलिए ये फीड थोड़ा सस्ता है। हालांकि आप कॉमर्शियल फीड में ही, जैसा ये कॉमर्शियल फीड है और इसमें ये आप देख पा रहे होंगे ये तो फ्लोटिंग फीड है, लोग इसमें श्रिंकिंग फीड भी इस्तेमाल करते हैं। श्रिंकिंग फीड का मतलब ये होता है कि उसको आप बोरे में बंद करके और तालाब में एक डेढ़ फीट अंदर बांध के देते हैं और तब जो है वो मछलियाँ खाती है। मैं इसलिए इस फ्लोटिंग फीड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें दाने की जो बर्बादी है वो कम होती है और जो FCR है वो मेंटेन हो पाता है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे देखिए ये पानी पे फ्लोटिंग फीड तैर रहा है और मछलियाँ आकर इसको खा रही हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे। चूँकि पूरे तालाब में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो धीरे धीरे, और रेहू या मृगल ये जो मछलियाँ हैं वो थोड़े स्लो खाती हैं, और इसमें जो खाने की मात्रा हम लोग देते हैं उसको जज इस हिसाब से करते हैं कि अगर आपने फ्लोटिंग फीड दी और आधे घंटे के अंदर मछलियों ने इसे खा लिया तो इसका मतलब है कि जो फीड है वो आप ठीक ठाक डाल रहे हैं। अगर आधे घंटे से ज़्यादा IMC को ये लग रहा है फीड खाने में तो इसका मतलब ये है कि आप फीड ज़्यादा दे रहे हैं, फीड को थोड़ा कम करिए। कुछ लोग इसको ऐसे भी मेजर करते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, जहाँ बॉडी वेट करना नहीं संभव है या परेशानी है तो कुछ लोग टाइमिंग के हिसाब से भी ये जज करते हैं कि मछलियों को कितना खाना दिया जाना चाहिए। ये पॉन्ड में आप देख पा रहे होंगे मछलियों को दाना दिया गया और मछलियां खाने के लिए पहुंच गई हैं। ये IMC है इस पॉन्ड में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेजर किया जाता है कि कितना खाना देना है,
दो तरीका है उसका, एक तो आप बॉडी वेट करके दे सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप मछलियों को जो दाना देते हैं वो टाइमिंग के हिसाब से दें। आईएमसी के मामले में ये टाइमिंग आधे घंटे का है कि दाना देने के आधे घंटे के बाद अगर आप इसको मेजर करते हैं, आधे घंटे में अगर मछलियां दाना खा रही हैं तो ठीक है। तो इस पॉन्ड में आप देख पा रहे होंगे कि आईएमसी बड़ी तादाद में है, इसलिए वो खाने के लिए पहुंची है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।